Good morning, guys. स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग में. और जैसा कि देख सकते हैं, अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 और हमारे बाबू के स्कूल जाने का टाइम हो रहा है. तो मैं बना रही हूँ आलू गोभी का भुजिया. भुजिया हमारे हो गया है और इधर देख सकते हैं हमने दाल भी बना लिया है. तो बस दाल को फ्राई करना है. बाबू खाएगा आज दाल रोटी भुजिया. और ये हमने आटा भी निकाल लिया है. इसको अभी गूथना बाकी है क्योंकि ठंड है बहुत. इसके लिए हम गर्म पानी से आटा को गूथेंगे. और ये हमारा है चाय. ऐसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, बहुत कम पीती हूँ, मतलब ना के बराबर. लेकिन अभी ठंड है तो ठंड में हमें दिक्कत होती है. अभी मतलब कंटिन्यू हमें ठंड लगती ही रहती है, हमें हमेशा ठंडा मार देता है उस टाइप का. सर में हमेशा मेरा दर्द रहता है. तो इसके लिए क्योंकि मॉर्निंग में काम करना है, बाबू के लिए नाश्ता तो बनाना ही है. तो चलिए आप लोग को बाहर का व्यूज दिखाते हैं. बाहर अच्छा खासा धूप निकल गया है लेकिन ठंड है. देखिए हमारा पेड़ भी कितना बड़ा हो गया. क्या है ऊपर? नहीं यहाँ से, नहीं यहाँ से दिखते हैं. और ये लड़का जा रहा है अपना बाथरूम में. आ जल्दी आना, उसको भी जाना रहता है. प्रियम को उसका टाइम हो गया. तो देख सकते हैं हम किस तरह से हैं. मतलब इतना करने के बाद भी हमको सर में दर्द रहता है. अभी कंटिन्यू जब से ठंड बढ़ गया तब से कंटिन्यू हमें सर दर्द है. रात को इतना ना ठंड लगता है. बाबू के साथ सोते हैं, उसको मतलब ओढ़ ही नहीं पाता. वो नहीं ओढ़ता, हमको भी ओढ़ने नहीं देता है. तो सोचे कि थोड़ा चाय पिया जाए. चलिए किचन का काम खत्म करें, नहीं तो बाबू को लिखिएगा, उसको भी रेडी करना है. लू है बेड पे है, उठा नहीं है ऊपर से. तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में आगे देखने के लिए. अभी हम काम फिनिश करके फिर आप लोग से मिलते हैं. जी करेगा, उठ के बना लो. फिर उठा उठ जा, अभी लिख ले. हम लिखा दे उठ जा. जूतो का तनका हाथ धो लीजिएगा ना तो बना लेगा. टेबल वाला दे इसका चलिए. क्लिक लिखो, इसमें एक लिखो, मर देंगे हमें. निकाल से एक झाड़ मेरा ठंडा जा रहा है. वैसी रातें कर रहा था. ला ला घंटा ला ला. अब इसको नाम इसको हॉस्टल में रखते हैं. गाड़ी में सबसे बड़ी मॉल टेरिंग का है. टेरिंग संभाल लिया, गाड़ी चला ली पूरी. पहले सी एस आर थे, उनका एक नौकर था राजा नाम था, बहुत कम उम्र के. उसको खाली यहाँ से पेट्रोल पंप पर आने या जाने में सीख गया इतने ही. बहुत भारी है काजी, बहुत भारी है. और बड़ा वाला गाड़ी जब हम चलाते हैं, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम दूध पीना पड़ेगा. इसका बीच में चक्कर ही निकाले.
ये भी जनार्दन जी को दिए आईटीआई कॉलेज में बाइक करने के लिए, घुमाने के लिए। अब हाथ हाथ पूरा झाड़ने लगे। फिर इधर कहाँ जा रहा है? इधर तो पूरा एकदम भीड़ वाला एरिया है। यहाँ के गांव का दृश्य है। आज हम लोग बहुत दूर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और प्रिंस मेरा चलाने वाला है ड्राइवर। प्रिंस इसमें गाड़ी पे कब्जा किए हुए। फ्रंट सीट पे बैठते तब ना। अच्छा नहीं प्रिंस, देख के चलाना है, एकदम डिस्ट्रैक्ट नहीं मत होना। अच्छा बउआ का स्कूल इस रास्ते में ना है ना? जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ साफ हटा दीजिएगा, पैर हम अपने संभाल लेंगे। ट्रेन आ रहा है भैया, आराम से जा रहे। हल्का हल्का पैर में खाली देखिए कि हल्का दबल रहे बस। अच्छा गाड़ी आराम से, अच्छा गाड़ी भी आगे साइकिल भी देख लेते हैं। इधर का एरिया ठीक है। इश्क में नाचेंगे तेरे इश्क में नाचेंगे। तो गाइस अभी हम लोग निकल पड़े हैं अपने क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए। तो देख सकते हैं गाड़ी का स्पेस कम है, चक्का बीच में स्पेस कम है। कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि उधर ढाल है, इधर रहती रहेगा बीच में। इधर पहाड़ नहीं है, देख लीजिए पूरा पलट लीजिए। देखो बाइक वाला को दिक्कत हो गया निकलने में। वो अपना स्पीड में आ रहा होगा, तुम पीछे इंडिकेटर नहीं दिया होगा ना। इंडिकेटर हो रहा था लाइट, एक बाइक बंद हुआ देखे ले। अपने बंद हो गया कि बंद किया है? बेलछी थाना सीमा। अच्छा पटना हो गया यहाँ से, छोड़िए इधर। हम लोग पटना कहाँ जा रहे हैं? पटना उधर बख्तियारपुर से न जाते हैं? पटना का दूसरा छोर होगा, फतुआ उतुआ। हम लोग लास्ट पे है ना, ही यहाँ से पटना का खत्म होता है, यहाँ से पटना स्टार्ट होता है। यहाँ
चुन लीजिए, आगे सिलेंडर छोड़िए, कलच लीजिए, गियर छोड़िए। देखो चना ऐसा बोइल है पूरा खेत में। अरे बाप रे, तीन नंबर पर चलाओ। कलच लीजिएगा अपने आप, आस्ते से खा ले, आगे के मन कर लेगा तो तीन नंबर लग जाएगा। प्रेशर नहीं देना उस पर, आराम से चलिए। तो मेन गाड़ी खड़ी करने का रोकने का मेरे लिए है। शाम को ना ब्लॉक वाला में जाके अब तब घुमाने का रोकने का ही सब सीखना है, तब आएगा।